नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय चिन्मय गौड़ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ फ्लूट के इस नए लेसन में। आज का लेसन आधारित है रागों पर। राग क्या होता है? आपने सुना होगा राग मियां मलार, राग देश, राग दीपक, राग यमन। तो ये राग होता क्या है? बहुत सिंपल होता है, फील करो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप कुछ शब्द जान लीजिए या लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूं। आरोह, आरोह का मतलब चढ़ना, आरोहण करना, पर्वतारोहण करना। संगीत में आरोह का मतलब सारे गमा पधानी सा, कैसे नीचे के सुर से ऊपर के सुर पर हम जाते हैं। अवरोह का मतलब उतरना, आरोह का उल्टा, पर्वत की चढ़ाई की अब उतरेंगे। तो संगीत में सानी द प म ग रे, सानी द प म ग रे सा। आरोह और अवरोह, आरोह चढ़ना, अवरोह उतरना। न्यास, न्यास मतलब कहीं रुकना। हम कहीं जाते हैं तो हम बीच में रेस्ट करने के लिए कहीं रुक सकते हैं, या हमने कुछ ऐसा हमारा प्लेट डिसाइड कर रहा है कि हम जब भी वहां जाएंगे तो हम बीच में एक बार यहां जरूर रुकेंगे। तो न्यास मतलब जहां पे कोई सुर, स्वर जो है, जिन सुरों पे रुका जाता है, जिन स्वरों पे आराम से रेस्ट किया जाता है, बार बार घुमा फिरा के उन सुरों पे आते हैं, रुकते हैं, उसका आनंद लेते हैं। वादी मतलब इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेंट नोट, और संवादी मतलब सेकेंड डोमिनेंट नोट, वादी और संवादी। अब राग कैसे बनती है? मुख्यतः 12 सुर रहते हैं, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल, 1 तीव्र। इन सभी 12 सुरों के कॉम्बिनेशन से इनमें से कुछ नोट सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये सुर हमने फिक्स कर लिए। उनका आरोह और अवरोह डिसाइड होता है कि भाई आरोह में ये सुर आएंगे और अवरोह में ये सुर आएंगे। कुछ स्वर निकाल दिए जाते हैं, फिर उसका एक चलन डिसाइड करते हैं कि इन सुरों को ऐसे लगाएंगे, इस मूड से लगाएंगे, या उन सा को जो है प से लगाएंगे, रे को म से लगाएंगे, जब भी रे आएगा तो म से आएगा, इस तरह। फिर उसका वादी सुर बनता है कि भाई ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। जैसे हमारे परिवार में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर फंक्शन में देखते हैं, हर फंक्शन में आगे रहते हैं, उनके बिना किसी का काम चलता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार हर राग का अपना एक इंपॉर्टेंट नोट रहता है, इंपॉर्टेंट जो है पर्सन रहता है। बार बार उसका ही हमको काम दिखाना पड़ता है, उन सुरों पे रुकना पड़ता है, और उन सुरों के पे रुककर जो ब्यूटी बनती है उससे ही वह राग खिलती है गुलाब की तरह। तो आरोह अवरोह कैसे ऊपर जाएंगे, कैसे नीचे आएंगे, किन स्वरों पे रुकेंगे, कौन से स्वर बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सुर जो है डिसाइड करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार एक राग बनती है। सिंपल शब्दों में कहूं तो राग बनती है एक रस से, एक मूड से। आप कभी कोई क्लासिकल परफॉर्मेंस सुनिएगा, कोई भी राग कोई परफॉर्म करता है आर्टिस्ट, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे 1-1.5 घंटे के अंदर वो एक ही मूड को कायम रखता है। मतलब मेन जो होता है इसका, जो मेन रस है वो तो एक ही रहेगा, जो मेन उसका फीलिंग है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, वीर रस है। तो ये राग होता है। उदाहरण के तौर पर राग शुद्ध कल्याण नाम की एक राग है, उसमें जाते वक्त जो है सारे ग पधासा सुरों को लिया है, मतलब मध्यम और निषाद, म और नी को निकाल दिया है, सारे ग पधासा, और अवरोह में संपूर्ण लिया है, संपूर्ण मतलब सब सुर लिए है, सा नी धा प म ग रे सा, म को तीव्र कर दिया अवरोह में, जाते वक्त मध्यम और निषाद को, म और नी को निकाल दिया, आते वक्त जो है सब सुर लिए, संपूर्ण सुर लिए,
और फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं, तो ऐसे ही एक राग बन गई। तो हर राग का अपना स्पेसिफिक ऐसा कुछ रहता है। दोस्तों राग के कुछ जातियां होती है, घबराइए नहीं, बहुत सिंपल बात है। जाति मतलब वो वाली जाति नहीं जो इंसानों ने बनाई है, वो बड़ी खराब जाति होती है जो बांटती है हम सबको, हम सबको दूर करती है। राग की जाति बड़ी आनंदमय होती है। हाँ, तो राग की जाति में क्या होता है कि ऑडव, ऑडव मतलब पांच सुर, हिंदी का शब्द है। शाडव मतलब छह सुर, संपूर्ण मतलब पूरा संपूर्ण, सात के सात सुर। तो हर राग में ऑडव, शाडव या संपूर्ण, ये तीन जातियां रहती है। एक वर्ड यूज करते वक्र, वक्र मतलब घुमा फिरा के जब नोट्स को लगाते हैं, जब नोट सीधे नहीं लगते, यानी कि सागरे मग प मध पनी धसा, कैसे मैंने घुमा फिरा के लगाया। तो जब भी अवरोह में पांच सुर आए तो उसको ऑडव कहेंगे। जैसे राग शुद्ध कल्याण, ऑडव ऑडव संपूर्ण राग है, क्योंकि अवरोह में पांच सुर आए और आरोह में पांच सुर आए, अवरोह में जो है सात सुर आए, ऑडव और संपूर्ण। बागेश्वरी राग है जो शाडव संपूर्ण है, जिसमें जाते वक्त छह सुर लिए, आते वक्त जो है सात के सात सुर लिए। वक्र भी है, वक्र मतलब थोड़ा घुमा फिरा के कुछ नोट्स को लगाया जाता है। तो इस प्रकार हर राग का अपना एक मूड रहता है।